धारा 370 हटने के बाद लोकसभा चुनाव देखें या फिर अब विधानसभा का पहला चरण देखें, जनता ने लोकतंत्र में विश्वास व्यक्त किया है, आतंकवाद अलगाववाद को ना कही है। जम्मू कश्मीर की जनता शांति चाहती है, खुशहाली चाहती है, और शांति और खुशहाली धारा 370 को खत्म करने के बाद आई। विकास जनता ने देखा, उत्साह जनता में है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को देखा है और आगे बढ़ाया है, अब और आगे बढ़ना है तो कमल का फूल खिलाना है, भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, फुल स्टेटहुड भी जम्मू कश्मीर को दिलाना है। सर, पाकिस्तान को राज नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं और इतनी भारी संख्या में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पिछले एक दिन से इसी जिले में एक और एनकाउंटर चल रहा है। देखिए, जहां एक और जम्मू कश्मीर में उत्साह दिखता है चुनाव को लेकर, वहीं उदासीनता दिखती है पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के मंत्री बयान देते हैं कांग्रेस के हक में, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में। ये तालमेल, ये गठजोड़, ये सीमा पार का, ये सोच एक जैसी, इरादे एक जैसे, कांग्रेस के और पाकिस्तान के, नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पाकिस्तान के, ये अपने आप में दिखाते हैं कि इन दोनों की बोली एक जैसी कैसे है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाके राहुल गांधी जी हिंदुस्तान को नीचा दिखाते हैं, चीन पाकिस्तान का गुणगान करते हैं, वहां पर पाकिस्तान समर्थकों से मिलते हैं, हिंदुस्तान विरोधियों से मिलते हैं, और राहुल गांधी जी हिंदुस्तान में भारत के टुकड़े हों हजार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह करने वालों के साथ खड़े हो जाते हैं और उनको अपनी पार्टी में शामिल करवाते हैं, लोकसभा की टिकट देते हैं। ये अपने आप में कांग्रेस की मानसिकता को दिखाते हैं कि भारत के टुकड़े करने वालों को भी कांग्रेस अपना सदस्य बनाती है, ऐसी सोच रखने वालों को भी अपने साथ लेती है। ये पाकिस्तान वाले भारत में आतंकवाद फैलाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी की कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहती पाकिस्तान से बातचीत करो। अब ये जम्मू कश्मीर की जनता को तय करना है कि आतंकवाद फैलाने वाले पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या पहले आतंकवाद बंद हो फिर बातचीत करनी चाहिए। हमारा मानना है आतंकवाद बंद हो तभी बातचीत करेंगे, और जम्मू कश्मीर की जनता से मेरा आग्रह है, मुंह तोड़ जवाब ऐसी ताकतों को दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को, जो आतंकवाद समर्थक पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है, उनके पक्ष में बोलती है। अरे जिन्ना तो चले गए, अपना जिन इनमें छोड़ गए। आज ये जिन्ना वाली मानसिकता किसी में नजर आती है तो श्रीमान राहुल गांधी जी में नजर आती है। मोदी जी कहते हैं भारत को मिटने नहीं दूंगा, कहते मैं रहूं ना रहूं मेरा भारत आगे बढ़ना चाहिए।